شأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لوتر. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.

तर्जुम क़ुरान का आज का हमारा दर्स सूर मुबारक तकफ़ीफ़ तिरासीवं सूर्य कुरान करीम का और छब्बीस आयत पर छत्तीस आयत पर मुश्तम ये सूर मुबारक की जानब से हमारे लिए एक बेहतरीन इनाम, और एक रुकू पर मुश्तमिल है और मक् मौज़िमा में नाजिल हुआ और परवरदिगार ने मक्के में नाजिल किए जाने वाले अक्सर सूरों में पहले डराया है किन को डराया है वो अफराद के जो अपनी तरफ़ से एक दीन बना कर बैठ गए हैं वो अफराद जो अपनी तरफ़ से एक रास्ता अपनी तरफ से बनाकर बैठ गए हैं जबकि ना मर्ज़ी से पैदा हुआ इंसान ना मर्ज़ी से दुनिया में रहेगा ना अपनी मर्ज़ी से मरेगा जब इसकी विलादत और इसकी मौत इसकी अपनी मर्जी से नहीं है वो सब का सब अल्लाह के अपने हाथ में है उसने दो ही चीज़ें तो अपने हाथ में रखी एक रिस्क एक मौत और उसके बाद कहा कि मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद हैं मैं मोहताज नहीं हूँ मैं मजबूर नहीं हूँ मैं अल्लाह हूँ अगर वो दो चीज़ें कोई बंदा लेकर आता है या एक चीज़ भी लेकर आता है तो मैं बहुत कीमत ख़रीदता हूँ पूछा वो क्या है कहा कि एक शिकस्ता दिली टूटा हुआ दिल जो बारगह रब में टूटा हुआ दिल हो और एक उसके खौफ से आँख में आंसू मक्का मजिमा की सरज़मीन पर कुफार और मुशरिकीन यानी वो अफराद के जो अपनी असल को छोड़ गए और अपनी तरफ़ से दीन बना लिया उनकी तादाद उनकी नस्बत के जो अपनी असल पर बाकी थे ज़्यादा थी अपनी असल पर बाकी अफराद कौन थे कहा हज़रत इब्राहीम अल्द की नस्ल पाक में वह अफराद जिन लिए अल्लाह ने कहा कि जो अपने हक़ पर होंगे अपने दीन पर मेरे भेजे हुए दीन पर मेरे बताए हुए रास्ते पर बाकी होंगे वो नेमतों में हैं और दूसरी जानिब वो अफराद की जिन्होंने अपनी तरफ से एक दीन बना लिया वो क़यामत सख्त अजाब में है इस सूरह मबारिक मतफ़िन में भी ने डराया है खौफ दिलाया है इंसान को उसकी हक़ की तरफ़ लाने के लिए जैसे हम आम मिसाल दें कि अपने बच्चे से हम कहते हैं उधर नहीं जाना नुकसान में जाओगे उधर जाओगे उधर तुम्हारे लिए मुश्किल आ जाएगी उधर जाओगे उधर आग है मसलन उधर कांटे हैं मसलन तुम इस रास्ते से जाओ अल्लाह ने ये चीज़ हमारे लिए रखी है इर्शाद बारी ताला हुआ आज हम तर्जुमे पर हैं बिस्मिल्रमर अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है वही लिलमुफ़ी अल्लाह अकबर वैल अधिकार डरा डरा रहा है कि श नुकसान है उनके लिए कि जो नाप तोल में कमी करते हैं तफसर कुरान ये कह रही है कि नातोल से मुराद वो एक तराजू और उसके ऊपर एक तरफ़ बाँट रखा हुआ और दूसरी तरफ आ, कोई जिन्स रखी हुई दाल चावल सब्ज़ी भी शक्कर एक्सर कुछ सिर्फ़ वो मुराद नहीं है नाप तोल में कमी माँ का हक माँ को बाप का हक बाप को बहन का हक बहन को बेटी का हक बेटी को भाई का हक भाई को बीवी का हक बीवी बीवी को मोहल्लेदारों का हक मोहल्लेदारों को देने वाला वो मीज़ान में रखे हुए वो तराज़ू को बराबर रखे हुए जो इससे हट जाए कमी बेशी करे नुकसान में है बहुत ज़्यादा नुकसान में है ख़राबी में है अल्दीन इदकतालन्नासी यफ़ून ज़ाहरी तर्जुमा इसका क्या कह रहा है कि नाप तोल में कमी करने वालों की खराबी है जो औरों से नाप लें तो पूरा पूरा लें और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें क्या अजीब बात है औरों से तो अपने हक़ की बात करें मेरा हक यह है मेरा हक यह है मेरा हक यह है और जब ख़ुद हक़ की अदायगी की बात आ जाए तो दूसरों के हक़ में कमी कर दें ये है नापतोल में कमी की एक मिसाल वालु हम अज़नू हम यून जाहिरन अल्लाह ने नापतोल की यही बात की है कि और जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब ख़ुद देना हो हक़ अदा करना हो तो फिर उसमें कटौती करते हैं क्या ये लोग इतना भी ख़्याल नहीं करते कि एक बड़े सख्त दिन क़यामत में उठाए जाएँगे क्या अजीम दिन होगा कि जब हर एक को बराबर के अदल से उसके साथ पेश आया जाएगा बाकायदा अदल से उसके साथ पेश आया जाएगा रोज़ क़यामत उठना सबको है ये तय है दुनिया इम्तहान गाह है अजान ग्रामी इस दुनिया में अल्लाह ने इम्तहान के लिए इंसान को खल किया है कितने ही हैं जो पैदा होते हैं इंतकार कर जाते हैं कितने ही हैं जो अपने सन्ब बलोगत यानी अपने ऊपर तकलीफात वाजिब होने से पहले यानी मुखलफ़ होने से पहले यानी नमाज रोज़ा ज़क़ात देन लेन ख़र्च कमाना इन तमाम चीज़ों के अपने ऊपर आयद होने से पहले मर जाते हैं कितने ही हैं कि जो उस नस्सी नब्बे साल सौ साल सौ साल से भी ज़्यादा जीते हैं सब के सब इम्तहान गाह में हैं यहाँ से पलट कर क़बर में जाना है और कब्र के बाद रोज़े क़यामत रोज़े जज़ा बाहर हाल है हर एक के लिए है मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम मानने वाला हो या ना मानने वाला कितने ही इंसान हैं जो इस्लाम कबूल तो कर चुके ला इलाहा इल्लल्लाह मदर रसूलुल्लाह कह दिया लेकिन हल्क से नीचे नहीं उतरा यानी उन्होंने ला इलाहा अ के कवायद पर अमल नहीं किया उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाबित पर अमल नहीं किया अल्लाह उन्हीं की बात कर रहा है कि औरों से तो नाप पूरा पूरा लेते हैं और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम कर देते हैं क्या ये लोग इतना भी ख़्याल नहीं रखते कि एक बड़े सख्त दिन कयामत में उठाए जाएंगे जिस दिन तमाम लोग सारे जहानों के परवरदिगार के सामने खड़े होंगे रबालमीन रब अरबाब और क्या तुमको नहीं मालूम कि सुन रखो कि यकीनन फ़ाजिरों यानी बदकारों के नाम आमाल सजीन में हैं अजीब चीज़ है ये सजीन क्या है तुम क्या क्या तुमको मालूम है कि सजी क्या चीज़ है एक लिखा हुआ दफ्तर जिसमें शहतीन के आमाल दर्ज हैं अलमान अल हफ़ीज़ ये दोनों मलाइक जो यहाँ बैठे हैं मेरे सारे आमाल देख रहे हैं मैं मोहल्लेदारों से कैसा हूँ मैं घर के अंदर बीवी बच्चों से कैसा हूँ मैं घर के अंदर माँ बाप से कैसा हूँ बाहर एक शख्स बहुत अच्छा है बहुत दिल को लगता है बड़ा प्यारा है लेकिन घर के अंदर बीवी पर सख्ती करता है बच्चों पर सख्ती बेजाज़ सख्ती करता है बच्चों पर ज़बरदस्ती मुश्किल में डालता है उनको बहुत से अफराद हैं हफ़्तों गुज़र जाते हैं बीवी से बात नहीं करते बहुत सी बीवियाँ हफ्तों गुजर जाते हैं शोरों से बात नहीं करती बहुत सी औलाद है माँ बाप का ध्यान नहीं बहुत से माँ बाप हैं औलाद का ध्यान नहीं कौन क्या कर रहा है किस किस्म की परवाह नहीं ये जवाबदेह हैं औलाद के बारे में बीवी के बारे में शौहर के बारे में माँ बाप के बारे में भाई बहनों के बारे में मोहल्लेदारों के बारे में कहा ये जो है जितने आमाल बद कर रहे हैं वो सब लिखे जा रहे हैं बाकायदा तहरीर है कि पूरा आमालामा सामने आ जाएगा जैसे इस दौर में इस मोबाइल में हमारे पूरे साल के कितने स्टेप्स हमने उठाए कहाँ कहाँ मुड़े किधर किधर गए कहाँ कितनी देर बैठे बाइक कितनी देर चलाई गाड़ी कितनी देर चलाई वो सब कुछ आ रहा है इस वक्त एक मोबाइल में तो जो इलाही मोबाइल है उसमें ये दोनों मलाइका के तहत क्या कुछ नहीं आ रहा हम झुटला भी नहीं सकते अगर हम कहें हमने नहीं किया तो वो अमल हमारे सामने है जानी गिरामी इस शुरम मुबारक में परिकार ने इंसान को झूठ बोलने से रोका है मज़ाहन भी झूठ नहीं बोलना है मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है मैं अब घर से निकलते हुए ऑफिस जा रहे हैं बच्चा आ गया अब्बू अबू, अबू और मैं दरवाजे में कह रहा हूँ रुको अभी आ रहा हूँ अभी नहीं आ रहा हूँ शाम पाँच बजे आ रहा हूँ शाम छः बजे आ रहा हूँ बस इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जहन में रखना है कि मज़ाहन भी झूठ नहीं बोलना प्रदगार ने कह दिया कि झुटला ही नहीं सकते हालांकि उसको हद से निकल जाने वाले गुनहगार के सिवा कोई नहीं झुटलाता मालूम है कि झूठ बोलता ही वो है जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए गुनागारी में यानी अल्लाह के अहकाम की मुखालफत में जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं ये तो अगलों के अफसाने हैं क्या अजीब आयत है नहीं नहीं बात यह है कि ये लोग जो आमाल बद करते हैं इसकी बिना पर उनके दिलों पर जंग बैठ गया है अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तिलावत कुरान करो कुरान पढ़ो कुरान तुम्हारे दिलों के जंग को दूर करता है बस न सिर्फ़ ये कि माह रमज़ान में रमज़ान में कुरान का इतना सवाब है कुरान का हर वक्त सवाब है रमज़ान में दस गुना बढ़ जाता है बस रोज़ाना कम अज़ कम कम अज़ कम एक सफ़ा अज़रू कुरान खोल के देख कर पढ़ने को अपने ऊपर इंसान ज़रूरी करार दे ताकि और उसके साथ फिर तर्जुमा पढ़ता रहे अपनी मादरी ज़बान में बलोच है सराकी है पंजाबी है अंग्रेज़ है चाइनीज़ है जैपनीज़ अपनी मादरीबान में तर्जुमा पढ़े ताकि ज़ाहरी माना उसके सामने ज़रूर आ जाएँ और वह अल्लाह के कहर और अल्लाह के अजब को समझ ले के किन बातों पर आता है और अल्लाह की नियमतों और बरकतों को समझ लेके किन बातों पर आती हैं सुरह मुबारक तशफ़ीफ बयासी तिरासी मसूरा और उसका ये मुख्तर तर्जुमा और तशरी चंद आयात वालकम वरहमत ला वरकिया